धनबाद जिले के विधानसभा शुकावाद के गांव जलोपुरा और जरौली खुर्द में किसानों की कई बीघा खेत हुए सिंचाई विभाग की लापरवाही से जलमग्न। पूरा मामला है गांव जलोपुरा और जरौली खुर्द का, जहां काफी समय से बंद पड़े बम्बे में अचानक से पानी आ जाने से कई बीघा गेहूं, आलू, सरसों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि यहां जो बम्बा है काफी समय से बंद पड़ा था, बगैर किसी तैयारी के बम्बा में पानी नहीं आया, लेकिन बीती रात से अचानक बगैर तैयारी के बम्बा में पानी छोड़ दिया, जिसमें जलोपुरा व जरौली खुर्द के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई नहीं आया। किसानों की 50 से 70 बीघा फसल में पानी गया है, अभी भी पानी चल रहा है। ग्राम प्रधान ने भी नहीं की कोई व्यवस्था। परेशानी ये रहा कि बम्बा छोड़ दिया गया है, पानी मतलब कोई निकास नहीं है, बम्बा बंद पड़ा हुआ था, हमारी खेती नष्ट हो चुकी है। हमने किसी सबसे किया था, प्रधान प्रधान से, कोई भी यहाँ पर कोई अभी तक नहीं आया है। इतनी स्थिति पर भी हमारी गेहूँ खेती नष्ट हो चुकी है, हम परेशान है, हम क्या खाएं। कितने बीघा खेत है करीब आपको? हमारा 2.25 बीघा है। सिंचाई विभाग से भी हमने किया था, वो भी बोले थे कि 11 बजे के बाद करना, हम रात से परेशान है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। टोटल कितने बीघा फसल है ये? हमारा 4.5 बीघा खेत। क्या है इसमें? गेहूँ है। कौन सी नहर से पानी आया यहाँ पर? नगला बीच से आया हुआ है, नगला बीच से छोड़ा गया पानी। और तो आज से पहले कभी यह पानी आया था? आज से पहले कभी नहीं आया, 20 साल तो हमको देखते हो गया। हाँ पुष्पेंद्र है, इसमें मैं तो मर गया यहाँ बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें होगा क्या, खेती पूरी वीरान हो चुकी। कितनी फसल आपकी बर्बाद हो गई? ये पूरी 50 बीघा का चकैसा पूरा बर्बाद हो चुका मेरा। तो पानी एकदम से छोड़ दिया गया? अरे साहब, इतना गहरा ये फूटा था कि यहाँ मट्टी नहीं लगी थी, साफ ही नहीं था बम्बा। बम्बा साफ होता तो पानी निकल जाता, बम्बा साफ ही नहीं था, इसलिए रुकावट से बम्बा फूट गया। तो कहाँ से पानी छोड़ा गया? ये उस नहर में से, ये है बीच नाला वाली नहर है, उसमें से आता है। अच्छा, क्या समस्या क्या है यहाँ पर है? क्या क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ये हमारी खेती सबरी नुकसान हो गया, हम क्या खाएंगे। कम से कम हो गए 18 घंटे चलते चलते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने शिकायत भी की है, न कोई आया है अभी तक। अच्छा, आपकी जानकारी के अनुसार जो पानी कितनी बार आ चुका है? अभी तो एक ही बार आया है। कितनी फसल यहाँ पे पानी भरा हुआ है? कम से कम है 7-8 बीघा, और दूसरे खेत में भी पार होने वाला है। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।